हेलो गाइस, पूरे एक महीने से हमें इस प्लेनेट के तमाम हिस्सों से तरह तरह के ओरियो प्रोडक्ट्स वाले दुनिया भर से पार्सल मिल रहे हैं और अब आपको पता चलेगा कि वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि कभी किसी ने भी इसके हर प्रोडक्ट्स नहीं इकट्ठा किए होंगे। सबसे पहले चलिए खुद को क्लासिक ओरिजिनल ओरियो की मौजूदगी की याद दिलाएं। ये दो गहरे रंग की कुरकुरी कुकीज हैं, जो एक सफेद क्रीम से एक साथ जुड़ी हुई है। हालांकि सभी लोग नहीं जानते कि ओरिजिनल ओरियो की एक सुनहरी कॉपी भी है, जो पीले सुनहरे आटे से बनी होती है। हम अपना बताएं तो हमें इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लगता है और टुकड़ों के बीच की क्रीम वाले वर्जन के मुकाबले और भी ज्यादा नर्म है। ओरियो क्रीम लवर्स के लिए उन्होंने एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया है, जिसमें रेगुलर वर्जन के मुकाबले दोगुनी क्रीम होती है। उन्होंने ये एक जोखिम भरी बात कही है। चलिए इसे देखें। हर सफेद पैटर्न वाले पैकेज में दो मोटे ओरियो होते हैं। हमने एक कुकी निकाली और लग रहा है जैसे इसमें रेगुलर वर्जन के मुकाबले सच में ज्यादा क्रीम है। इसे पता करने के लिए चलिए कैलिपर से क्लासिक ओरियो में क्रीम की मोटाई मापें। ठीक है, ये लगभग 3 मिलीमीटर है। अब हमने मोटा वर्जन लिया, उसे मापा और पाया कि हमें धोखा दिया गया है। जैसा कि पैकेज पर वादा किया गया था, इसमें 6 के बजाय लगभग 7 मिलीमीटर क्रीम है। हमें नहीं पता कि कस्टमर्स ऐसी धोखाधड़ी के लिए ओरियो को माफ कर सकते हैं या नहीं। आप क्या सोचते हैं? सर्दी आ रही है और कंपनी ने मोटी सफेद और दूधिया चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से ढकी कुकीज के इन विंटर इंसुलेटेड वर्जन को बनाया है। लगता है कि ये पैकेज मैक्सिको से आए हैं। अगर आप जानते हैं कि ये कौन सी भाषा है तो कमेंट्स में बताएं। चलिए इसे खोलें। ओरियो का सफेद विंटर वर्जन कुछ ऐसा दिखता है। हमने सबसे पहले चॉकलेट का टेस्ट रखा। ऐसा करने से पहले चलिए इसे काट कर ये पक्का कर लें कि हमारे पास क्लासिक ब्लैक ओरियो ही है, लेकिन हमें दूधिया चॉकलेट वाला ज्यादा पसंद आया। वाह, ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ओरियो का नेशनल ब्राउनी फ्लेवर वाला वर्जन। ध्यान दें कि हर फ्लेवर की पैकेजिंग का रंग अलग अलग होता है। ये भूरे रंग का है। पहली नजर में ये एक आम ओरियो जैसा दिखता है, लेकिन अंदर हमारे पास अमेरिकी ब्राउनी के टेस्ट के साथ एक बहुत ही नरम और टेस्टी क्रीम है। इसके बाद हमारे पास रंगे हुए क्राउन और प्रेशर से फूली हुई पैकेजिंग वाले ओरियो का ये ब्लैक पिंक वर्जन है। ये ओरियो इंडोनेशिया से हमारे पास आया था। ये बेरी आइसक्रीम फ्लेवर के साथ चमकदार गुलाबी क्रीम का होने की वजह से ओरिजिनल वाले से अलग है। इसके अलावा किसी वजह से ये शेप में छोटे होते हैं। शायद इंडोनेशियाई अपना मुंह इतना नहीं खोल सकते और स्टैंडर्ड साइज उनके लिए काफी नहीं है। एक पार्सल के नीचे हमें एक छोटा लेकिन बहुत ही अलग सरप्राइज मिला। लगता है कि ये ओरियो ब्रांड के असली मोजे हैं, जिसमें छोटी कुकीज और ओरियो शब्द लिखा हुआ है। हम सोच रहे थे कि क्या ऐसे लोग हैं जो गिन सकें कि हमने इस वीडियो के दौरान ओरियो शब्द कितनी बार कहा। ये काफी है। जब हम किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो शायद इन्हें पहनेंगे। वैसे आप ओरियो के इन फेस्टिव वर्जन को केक से सजा हुआ और लगभग 5 टुकड़ों के अलग अलग पैकेज में भी ला सकते हैं। इसमें बहुत सारी रंगीन और मोटी कॉन्फेटी के साथ एक बहुत खूबसूरत और सबसे अलग तरह की क्रीम है। हमने अभी तक आपको सरप्राइज करना शुरू भी नहीं किया है और यहाँ हमारे पास असली ओरियो पॉपकॉर्न है। हमें नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज है। चलिए इसे खोलें और देखें कि अंदर क्या है। वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और इसका टेस्ट सबसे अलग है। पॉपकॉर्न मीठा, कुरकुरा और टेस्टी है, जैसे कि इसे कुछ मिनट पहले ही तैयार किया गया हो। ध्यान दें कि हर टुकड़े को संभाल कर सफेद आइसिंग से ढका गया है और उस पर कुकी के कण चिपके हुए हैं, जो सभी मिलकर आपको एक कभी ना भूलने वाला फ्लेवर पहुंचाते हैं। हमें यकीन है कि आपने इस तरह का ओरियो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये ब्रिटेन से आए हैं। पैकेज पर दी गई तस्वीर में प्रोडक्ट बहुत अच्छा और टेस्टी लग रहा है। चलिए इसे जल्द से जल्द खोलें। एक प्रोटेक्टिव कंटेनर में चॉकलेट की बूंदों के साथ बड़ी और नरम कुकीज हैं। चलिए इन्हें आधा तोड़ें और देखें कि अंदर क्या है। नाजुक सफेद क्रीम को देखिए। हम इन्हें सबसे ज्यादा रेटिंग देंगे क्योंकि ये सच में बहुत टेस्टी है। क्या कभी आपने ओरियो वेफर्स ऑर्डर किया? क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा होता है। इसके अलावा इसके 2 फ्लेवर्स हैं, हल्का, कुरकुरा और टेस्टी। अगर आपको कभी भी दुकान पर ऐसे वेफर्स मिले तो आपको उनका टेस्ट लेना चाहिए। हमें ये सचमुच अच्छा लगा। आप इस ट्रीट के बारे में क्या सोचते हैं? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा था। जाहिर है ये किसी तरह का ओरियो कैंडी बार है। पैकेजिंग पर लिखा है कि ये एक नरम केक है। चलिए इसे आधा काटें। ओह, अंदर 2 नरम स्पंज केक है। बीच में ओरियो की ओरिजिनल क्रीम है और पूरी चीज टेस्टी चमकदार दूधिया चॉकलेट से ढकी हुई है। खैर, ये बॉक्स चीन से आए हैं।
और हमें ये भी नहीं पता कि ये क्या है, बल्कि हमें ये भी नहीं पता कि ये ओरियो है या नहीं, फिर भी हम पैकेज पर मौजूद टेक्स्ट को पढ़ने के लिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये सचमुच एक ओरियो है। पैकेज के अंदर चीनियों ने दो छोटे पीले पैकेट छिपा रखे हैं। हमने इन्हें खोला और इनमें से छोटे तकियों का एक गुच्छा बाहर निकला। असली ओरियो क्रीम मोटे भूरे खोल के नीचे छिपी हुई है। ये कुरकुरे पैड भी हमें बहुत अच्छे लगे। चलिए अब सकुरा ब्लॉसम टेस्ट वाले अनोखे गुलाबी जापानी ओरियो का टेस्ट लें। अंदर हमारे पास प्रेशर से भरे दो गुलाबी पैकेज हैं। जाहिर है कुकीज को नुकसान से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। वाह, इस मास्टरपीस को देखिए, इसकी खुशबू कितनी टेस्टी है। इतने खूबसूरत रंग हमें इन्हें खाने के लिए ललचाते हैं। और जाहिर है कि जापानी ओरियो बहुत टेस्टी और खूबसूरत निकला। ये रहे कुछ एशियाई देशों के अजीब ओरियो के दो और पैकेज। पहले वाले में दोहरे टेस्ट वाला ओरियो छिपा है। जी हाँ, भराई का आधा हिस्सा स्ट्रॉबेरी के टेस्ट वाला है और दूसरा आधा हिस्सा जंगली जामुन के टेस्ट वाला है। अगले पैकेज में ओरियो कुकीज का एक बहुत ही कम मिलने वाला पतला वर्जन है। इसकी खासियत यह है कि ओरियो डिस्क आम डिस्क के मुकाबले लगभग दोगुनी पतली है। इन्हें काटना, तोड़ना और खाना आसान होता है। इसको ओरिजिनल वर्जन के साथ रखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितने अलग है। इसकी भराई बहुत टेस्टी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हरा है और इसमें अंजीर के टुकड़े हैं। चलिए अगला पैकेज लेते हैं। हमारे पास इसमें क्या है? क्या ये ओरियो कैंडी है? अरे हाँ, चलिए इन पर करीब से नजर डालें। ये सफेद ओरियो क्रीम से भरे काले कैरमल के टुकड़े हैं। ये काफी नरम टेस्टी है और मुंह में जाते ही पिघल जाते हैं। और ये हमारी सबसे महंगी खरीदारी है। इसके लिए हमें लगभग $50 चुकाने पड़े। ये गेम और एनिमेटेड फिल्म सुपर मारियो को डेडिकेटेड ओरियो का एक कलेक्टर एडिशन है। पैकेजिंग को आसानी से खोलने के लिए एक लैग बनाना है, जिसे खींचकर हम इसे खोल सकते हैं। चलिए देखें कि इन कुकीज में क्या खास है। ये आम ओरियो की तरह दिखते हैं, लेकिन नहीं, हर कुकी के पीछे एक गेम कैरेक्टर बना है। ये खुद मारियो है। यहाँ एक मशरूम है और यहाँ तक कि वो दुष्ट ड्रैगन भी है, जिसने राजकुमारी का किडनैप कर लिया था। इस वर्जन में नरम हवादार क्रीम की एक मोटी परत भी है। सुपर हीरो का एक कलेक्शन बनाना एक बहुत अच्छा आइडिया है, जिसे खाया जा सकता है। गेम लवर्स को ये जरूर पसंद आएगा। आपको लगता होगा कि आपने सब कुछ देख लिया है, लेकिन ओरियो के इस फॉर्मेट को देखें, जो एशियाई लोगों ने हमें भेजा है। दरअसल ये दही के कप में स्ट्रॉबेरी दही के टेस्ट वाली ओरियो कुकीज हैं। हालांकि ये आम ओरियो कुकीज नहीं है, बल्कि टेस्टी गुलाबी फीलिंग वाली ओरियो मिनी है। देखिए, क्लासिक ओरियो के मुकाबले ये कितने छोटे हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को इतनी तरह से पेश करने में कामयाब रही। फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ओरियो टेस्ट वाले क्रोसेंट भी मिले, जिनके अंदर ओरियो कड़ों वाली क्रीम होती है। चलिए इसे तोड़ें और देखें कि अंदर क्या है। क्या बस इतना ही? जैसा हमने पैकेज पर देखा वैसा कुछ भी नहीं है। हमने एक और बॉक्स खोला और क्रीम और चॉकलेट फ्लेवर के साथ दो तरह के ओरियो वेफर रोल मिले। हर पैकेज में तीन कुरकुरे वेफर रोल होते हैं, जिनकी भराई भीतरी दीवारों पर लगी होती है। चॉकलेट वर्जन रंग में थोड़ा अलग है और हमें इसका टेस्ट थोड़ा बेहतर लगता है। तभी रोज के दो जापानी वर्जन मैदान में कूद पड़े और ये साबित करने के लिए दौड़ पड़े कि वो अमेरिकी रोज से खराब नहीं है। दिखने में जापानी स्टिक अमेरिकी स्टिक के मुकाबले थोड़ी पतली होती है और इतनी रंगीन नहीं होती। सजावटी धारियां बहुत ही महीन होती हैं, लेकिन इसके अंदर एक टेस्टी हरी चाय वाली क्रीम होती है, जो इन्हें मुकाबले में बनाए रखती है और मुकाबले का नतीजा ड्रॉ रह जाता है। फेमस मिठाई पॉकी स्टिक्स ने भी ओरियो के कोलैबोरेशन से एक ट्रीट जारी की है, जिसमें उनके प्रोडक्ट्स को कुकी कणों के टुकड़ों के साथ ओरियो क्रीम फ्लेवर वाली फ्रॉस्टिंग में कोटिंग किया गया है। ये हद से ज्यादा टेस्टी था। एक खूबसूरत पैटर्न वाले सबसे अलग ओरियो की इस बड़ी पैकेजिंग में कुछ दिलचस्प है। अंदर नरम और फूला हुआ स्पंज केक ओरियो से भरे चार फूले हुए बैक कार्डबोर्ड बॉक्स से बाहर गिर रहे हैं। जरा हवादार स्ट्रॉबेरी क्रीम के बहुत बड़े हिस्सों को देखें। कुकी को मिठाई बहुत पसंद नहीं है, इसीलिए अगर उसे ये पसंद आया तो ये सचमुच अच्छा है। क्या आपको लगता है कि आपको सरप्राइज करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है? आप गलत हैं।
ये रहा ओरियो एडी सीरियल का जल्दी वाला नाश्ता। ये थैला इतना बड़ा है कि हम शायद इसे कम से कम एक हफ्ते तक खाएंगे। गहरे रंग के छल्ले का टेस्ट कुकीज जैसा होता है और पीले पैड का टेस्ट ओरियो क्रीम जैसा होता है। सच में आप इनमें से एक छोटी कुकी भी बना सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा ताजा दूध डालें, इसे थोड़ा सा मिला लें और टेस्टी नाश्ता तैयार है। जब तक कि हम इसे पूरा नहीं खा लेते, हम बीच बीच में इस डिश का लुत्फ उठाते रहेंगे। हम इस वीडियो के लिए 3 अलग अलग तरह की ओरियो आइसक्रीम पाने में कामयाब रहे। पहली है स्टिक पर बनी ये क्लासिक आइसक्रीम। गाढ़ी डार्क चॉकलेट फ्रॉसिंग में कुकीज के टुकड़े होते हैं और इसके नीचे हमें चॉकलेट चिप्स या उसके जैसी किसी चीज के साथ सफेद आइसक्रीम मिलती है। दूसरा वर्जन ये काला कोन है, जिसमें एक बड़ा आइसक्रीम स्कूप है जो डार्क चॉकलेट से ढका हुआ है। ये सच में गहरा और सबसे अलग दिखता है, लेकिन इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें आइसक्रीम का ये फॉर्मेट पसंद आया, जो मलाईदार भरने के बजाय टेस्टी आइसक्रीम की मोटी परत के साथ एक बहुत बड़ा ओरियो कुकी जैसा दिखता है। ये फॉर्मेट खाने में बहुत आसान है और हाथ में पकड़ने में भी अच्छा लगता है। हो सकता है कि किसी तरह की ओरियो डेजर्ट की खोज पहले ही हो चुकी हो, लेकिन अगर आपके पास और भी अच्छे आइडियाज हैं तो उन्हें कमेंट्स में लिखें और हम वीडियो के नीचे सबसे अच्छे कमेंट्स को पिन कर देंगे।